हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं दिव्या और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रोटी बनाने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। एकदम गोल मटोल और नरम रोटी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है उसके लिए आटा लगाना। अगर बहुत ही सख्त आटा आपने मारा है तो आपकी ताज़ी रोटियां भी बासी की तरह लगेंगी, और अगर बहुत ही गीला आटा आपने मार लिया ना तो आपको बेलने में ही बहुत दिक्कतें आएंगी। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से आप रोटी का आटा लगाएं जो एकदम सॉफ्ट हो और उससे रोटी आपकी फूली फूली बने, और किस तरह से आप रोटियों को बेल सकते हैं एकदम कम मेहनत से, एकदम पतली और गोल मटोल। तो शुरू करते हैं। तो पहले मैंने एक थाली में लिया 2.5 कप आटा। इस 2.5 कप आटे से मैं 15 रोटियां तैयार करने वाली हूँ। तो हमने यहाँ आटा ले लिया। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और उसका आटा मारना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी आप ऐड करते जाइए और जितना आपने पानी ऐड किया है उसको पूरा यूज़ करते जाइए। उसके बाद ही अगला राउंड पानी का डालिए, मतलब जितना आपने पानी डाला उससे आपने थोड़ा सा आटा मार लिया, फिर आपने थोड़ा पानी डाला, फिर आपने थोड़ा सा आटा मार लिया। तो इससे आपका आटा कभी भी गीला नहीं होगा। तो और वो देखिए धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए। बाद में आप क्या करिए कि आपके हाथ में पानी डालिए ना कि आटे में। तो जब आप हाथ में पानी डालना शुरू करेंगे ना तो आपके हाथ में जो आटा लगा हुआ है वो भी निकल जाएगा और जो थाली में है वो भी निकल जाएगा। थाली में भी हल्का सा पानी सींच के आप उसे मारिए आटे को, तो आपकी थाली भी साफ़ हो जाएगी और आपके हाथ भी साफ़ हो जाएंगे। ऐसा करने से आटा भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा और एकदम बहुत अच्छा आटा आपका मड़के तैयार होगा। बहुत लोग क्या करते हैं, आटे को तब तक मारते हैं जब तक कि वो एकदम नरम और सॉफ्ट नहीं हो जाता। रोटियाँ तो उससे भी अच्छी बनती है लेकिन हाथों की बैंड बच जाती है, हाथ बहुत दुखने लगते हैं। देखिए हमारा एकदम नरम आटा बन के तैयार हुआ है। तो आपको क्या करना है, आटा मार देना है। इसके बाद इसमें पानी थोड़ा सा फेर के और इसे ढक करके आपको छोड़ देना है। तो जब ये 15-20 मिनट के लिए आप इसे ढक करके छोड़ देंगे ना तो वो एकदम फूल के एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो जो बहुत देर तक जो आप आटा मारते रहते हैं ना वो आपकी मेहनत बच जाएगी। आपने नॉर्मली आटा मारा और उसे आपने ढक करके छोड़ दिया, उसके बाद जब आप ढक्कन खोलेंगे तो आपका आटा बहुत अच्छा तैयार ऑलरेडी हो चुका होगा। थोड़ा सा हाथ को गीला करेंगे। देखिए हमने इसमें एक बूंद भी तेल का इस्तेमाल नहीं किया है, कहीं पर भी हमने तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। और इसे इस तरह से थोड़ा सा एक दो बार और आप मसल लीजिए और देखिए बिना क्रैक का एकदम स्मूथ चिकना आटा हमारा बनके तैयार हो गया है बिना ज़्यादा मेहनत के। वो 5-10 मिनट तक मारने की ज़रूरत नहीं है। शुरू करेंगे, थोड़ा सा पोर्शन लेंगे आटे का, उसके हाथों के बीच में इस तरह से घुमाएंगे, गोल कर लेंगे, इसे लोई कहते हैं। तो हमारी एक लोई बन करके तैयार हो गई है। अब इस लोई को हम सूखे आटे में डिप करेंगे। तो इस लोई को आप सूखे आटे में अच्छी तरह से हर तरफ से लपेट लीजिए और जो भी एक्स्ट्रा आटा है उसे थोड़ा सा टैप करके निकाल दीजिए। इसके बाद हम बेलना शुरू करेंगे। तो बेलने के लिए आप बेलन को हल्के से सर्कुलर मोशन में घुमाइए और किसी भी एक डायरेक्शन में घुमाइए। देखिए मेरी रोटी अपने आप घूम रही है गोल गोल, मैं इसे घुमा नहीं रही हूँ। तो आप इसे एक डायरेक्शन में हल्के से सर्कुलर मोशन में और मीडियम प्रेशर लगा करके आप बेलना शुरू करिए तो आपकी रोटी भी बहुत अच्छी पतली और गोल बेलेगी। बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लगाइएगा नहीं तो आपकी जो रोटी है वो चिपक जाएगी। और जब भी आपका आटा स्टिकी होता है, रोटी स्टिकी होती है, आप सूखे आटे में से डिप कर सकते हैं। तो हमारी एक रोटी बिल्कुल तैयार हो गई है। मैं इसे आपको उठा करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट है क्योंकि हमारा आटा बहुत अच्छा मड़ा था और ये एकदम पतली बेली है। देखिए बहुत पतली बेली है। इसको अब हम सेकते हैं। तो तवा हमारा मीडियम गर्म है, मीडियम आँच पे है, बहुत हाई नहीं होना चाहिए नहीं तो हमारी रोटी जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो जब इसमें बबल्स आ जाते हैं तो इसको हम पलट देंगे, इसके दूसरी तरफ से सेकेंगे। यहाँ देखिए इतने अच्छे ब्राउन स्पॉट्स आ चुके हैं। इसके बाद इसको हम डायरेक्ट फ्लेम पे सेकेंगे। तो जब डायरेक्ट फ्लेम पे हम इसे सेकेंगे तो फ्लेम हम हाई कर देंगे। जब हम डायरेक्ट फ्लेम पे रोटी को सेकते हैं फ्लेम हमेशा हाई होना चाहिए। ये देखिए हमारी ये इतनी अच्छी गोल मटोल बलून की तरह रोटी हमारी फूली है। इसी तरह हम और भी रोटियां बेल करके तैयार कर लेंगे और उन्हें सेक लेंगे। ध्यान रखिए जब आप तवे पर सेक रहे हैं तो जब रोटी तवे पर है तब वो मीडियम पे होना चाहिए और जब आपने डायरेक्ट फ्लेम पे डाला तब फ्लेम हाई होना चाहिए। और बेलते वक्त आपकी जब जब रोटी स्टिकी होती है उसे आप सूखे आटे में डिप कर सकते हैं। ये देखिए ये भी एकदम पतली सॉफ्ट बेली है और गोल भी है। इसे हम तवे पर सेक रहे हैं। इसमें जब बबल्स आ जाएंगे तो इसको हम पलटेंगे। पलटने के बाद थोड़ा सा और सेकेंगे इसे, इसमें भी बबल्स आ गए। इसके बाद इसे हम डायरेक्ट फ्लेम पे सेकेंगे और ये रोटी भी हमारी देखिए पूरी फूल गई है। तो अगर आप इसी तरह से आटा मारेंगे तो आपकी रोटियां भी बहुत अच्छी फूलेंगी और बहुत अच्छी सॉफ्ट रोटियां बनकर के तैयार होंगी। ये देखिए एक और रोटी हमारी बन गई।
तो अब इस गर्मा गर्म रोटी पे हम लगाएंगे घी और हमारे भारतीय खाना दाल और सब्जी के साथ इसे परोसेंगे। तो अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए और अपने फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो फिर मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खाना पकाते रहिए, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते रहिए और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।